भारत में कोरोना का खतरा और डर लगातार बना हुआ है। 2020 में जब कोरोना आया था, देश में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन ये नहीं पता था कि 2021 का कोरोना लोगों को बुरी तरह से रुला देगा, अपनों को अपनों से ही दूर कर देगा। 2021 में कोरोना ने खूब कहर बरपाया, लाखों लोगों की मौत, हर रोज 4 लाख के आसपास मामले और रोजाना 4000 मौतें। हालात ये हैं, चारों तरफ तबाही का मंजर है। लेकिन भारत ने 2020 में ही वैक्सीन बनाने का काम शुरू कर दिया था और 2021 में वैक्सीन लगनी शुरू हुई। अब ऐसे में वैक्सीन को लेकर नए नियम लगातार सामने आ रहे हैं और अच्छी बात यह है कि अब दो नहीं, भारत के लोगों के लिए 3 वैक्सीन का विकल्प है। आज भारत एट 9 में बताएंगे कि वैक्सीन को लेकर किन नियमों में बदलाव हुआ है और नई वैक्सीन कब से कितने में मिलेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एट 9, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। दरअसल सरकार ने भारत में वैक्सीनेशन को कई चरणों में बांटा था, लेकिन कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सरकार ने फैसला किया कि 1 मई से 18 से 44 साल वाले लोगों को भी वैक्सीन लगेगी, जिससे तमाम राज्यों में वैक्सीन की किल्लत हो गई। तो ऐसे में फैसला लिया गया कि कोविशील्ड वैक्सीन के 2 डोज के बीच अंतर को बढ़ाकर 12 से 16 हफ्ता कर दिया जाए। अब तक 6 से 8 सप्ताह के अंतर पर कोविशील्ड लगाई जा रही थी। हालांकि देश में बनी कोवैक्सीन की डोज के अंतराल में कोई बदलाव नहीं किया गया है। केंद्र स्वास्थ्य मंत्री ने क्या कहा? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी ट्वीट करके इसके बारे में जानकारी दी। इससे पहले केंद्र सरकार ने कोविशील्ड वैक्सीन के 2 डोज के बीच का समय पहले से 2 हफ्ते ज्यादा कर दिया था। शुरुआत में कोविशील्ड के दिनों के डोज के बीच में 4 से 6 हफ्ते यानी 28 से 42 दिन का अंतर रखा जाता था। इसके बाद इसे बढ़ाते हुए 6 से 8 हफ्ते यानी 42 से 56 दिन कर दिया गया था। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में कोविशील्ड बना रहे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO अदार पूनावाला ने कहा था कि अगर डोज के बीच 2-3 महीने का अंतर हो तो वैक्सीन 90% तक असरदार हो जाती है। कोविशील्ड वैक्सीन इंग्लैंड में विकसित हुई है। भारत में पुणे में मौजूदा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में इसका उत्पादन हो रहा है। इसे बनाने वाली ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने दावा किया था कि यह वैक्सीन 70.4% कारगर है। बाद में ये बात भी सामने आई कि अगर इस वैक्सीन के पहले डोज में आधी मात्रा और दूसरे डोज में पूरी मात्रा दी जाती है तो 90% से ऊपर कारगर हो सकती है। कोवैक्सीन के डोज में बदलाव नहीं। हालांकि सरकार की ओर से कोरोना की दूसरी वैक्सीन कोवैक्सीन के डोज इंटरवल में कोई बदलाव नहीं किया गया। कोवैक्सीन भारत में विकसित हुई है। हैदराबाद के भारत बायोटेक में इसका उत्पादन हो रहा है। कोवैक्सीन को तीसरे फेज के ट्रायल के बगैर ही मंजूरी दे दी गई थी, इस पर सवाल भी उठे थे। बाद में तीसरे फेज के ट्रायल का प्राथमिकता डेटा आया, वैक्सीन के 81% कारगर होने का दावा किया गया। इस वैक्सीन के 2 डोज 28 दिनों के अंतराल पर लग रहे हैं। देश में कोरोना वैक्सीन की कमी दूर करने के लिए सरकार एक और बड़ा कदम उठाने जा रही है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा है कि जो कोरोना वैक्सीन विश्व स्वास्थ्य संगठन और अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से प्रमाणित है, उन्हें भारत में इम्पोर्ट किया जा सकता है। उन्होंने ये भी बताया कि अगले हफ्ते से लोगों को स्पुतनिक वी का टीका भी लगाया जा सकेगा। इस वैक्सीन का जुलाई से भारत में उत्पादन शुरू हो जाएगा। वीके पॉल ने कहा कि स्पुतनिक वैक्सीन भारत में पहुंच गई है। हम उम्मीद करते हैं कि अगले हफ्ते से ये बाजार में उपलब्ध रहेगी। हम ये भी आशा करते हैं कि रूस से आई वैक्सीन की सीमित मात्रा में बिक्री अगले हफ्ते से शुरू हो जाएगी। रूसी स्पुतनिक कोविड-19 वैक्सीन की एक डोज भारत में करीब 1000 रुपए या 950 की पड़ेगी। भारत में स्पुतनिक आयात करने वाली कंपनी डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज ने ये जानकारी दी है। इस टीके को सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरीज से जरूरी मंजूरी मिल गई है। कंपनी ने बताया कि इस वैक्सीन के एक डोज के लिए अधिकतम खुदरा मूल्य 948 रुपए है, जिस पर 5% का GST लगेगा, यानी टीके का एक डोज करीब 1000 रुपए में पड़ जाएगा। डॉक्टर रेड्डीज लैब ने इस वैक्सीन की सॉफ्ट लॉन्चिंग करते हुए शुक्रवार को हैदराबाद में एक व्यक्ति को इसका पहला डोज भी लगाया। जानकारी तो ये भी मिली है कि आगे इस वैक्सीन के दाम घट सकते हैं। भारत में कोरोना वायरस की खतरनाक दूसरी लहर जारी है। अचानक से संक्रमण के कारण मरीजों की संख्या में हुई बढ़ोतरी से स्वास्थ्य तैयारियों की पोल खोल दी है। लोगों के लिए बेड, ऑक्सीजन सिलेंडर और जीवन रक्षक दवाओं की कमी पड़ गई है। पहली लहर में बुजुर्गों को ज्यादा निशाना बनाया था, दूसरी लहर में वयस्कों को अधिक प्रभावित कर रहे हैं। अब विशेषज्ञों को लगता है कि तीसरी लहर में 18 से कम उम्र वाले बच्चों को खतरा हो सकता है। कोविड-19 के उचित व्यवहार का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए ताकि संक्रमण के फैलाव से बचा जा सके। 18 साल से नीचे के लिए अभियान के शुरू में ही
तीसरी लहर में सिर्फ बच्चे बिना टीकाकरण के ही होंगे। उन्होंने बताया कि बच्चों के इलाज के लिए स्पेशल आईसीयू बेड इस्तेमाल करना होगा, उसी तरह से पीडियाट्रिक इंसेंटिव केयर यूनिट की भी व्यवस्था करने की जरूरत होगी। जरूरी है कि हर शख्स पहले से इस मुद्दों पर मंथन कर ले। आपको बता दें कि तीसरी लहर की शुरुआत यूरोप में हुई और अमेरिका से होते हुए ब्रिटेन पहुंच चुकी है। वहीं दूसरी तरफ कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड की दो डोज के बीच गैप को बढ़ाने को लेकर सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ अदार पूनावाला ने सही वैज्ञानिक निर्णय करार बताया है। पूनावाला के मुताबिक वैक्सीन की डोज के बीच के गैप बढ़ने से इसका प्रभाव बढ़ेगा और प्रतिरक्षा में भी इजाफा होगा। उन्होंने कहा कि सरकार को जो आंकड़े मिले थे उसके आधार पर लिया गया यह निर्णय काफी बेहतर है। खैर, ये देखने वाली बात होगी कि यह निर्णय कितना बेहतर साबित हो पाएगा। फिलहाल देश भर में 18 से 44 लोगों के लिए वैक्सीनेशन लगातार जारी है। उम्मीद है कि जल्द ही जो बच्चों पर ट्रायल हो रहा है वो भी कारगर साबित होगा और जल्द ही बच्चों का भी टीकाकरण किया जा सकेगा। फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ वाले रिया।